नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। पाकुड़ जिले में 30 नवंबर को जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से विशाल जनसभा और रैली निकाली गई। रैली सिद्धू कानू पार्क से शुरू हुई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य है स्वर्गीय कार्तिक उराव के सपनों को पूरा करना। जो आदिवासी अपनी परंपराओं को छोड़कर दूसरे धर्म ईसाई या इस्लाम धर्म कबूल कर चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से बाहर कराना है। सिद्धू कानू पार्क से निकाली गई रैली कचहरी रोड होते हुए अंबेडकर चौक तक पहुंची। इसके बाद फिर वापस रैली रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम में पहुंची, जहां जनसभा का आयोजन किया गया। रैली में भारी संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉक्टर राजकिशोर हांसदा ने बताया कि स्वर्गीय कार्तिक उराव ने इसका विरोध किया था। वे आदिवासियों के धर्मांतरण के हमेशा खिलाफ रहे हैं। उनके सपनों को पूरा करने का बीड़ा मंच ने उठाया है। आदिवासी समाज से जुड़े जो लोग अपनी धर्म संस्कृति रीति रिवाज रूढ़िवादी परंपरा छोड़कर ईसाई मुस्लिम धर्म में जा चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से बाहर करना और मिल रहे ST का लाभ से वंचित किया जाना जरूरी है, क्योंकि वे आदिवासियों का हक मार रहे हैं। आरोप लगाया कि ऐसे लोग जनजातियों के मिलने वाले लाभ का 80% हिस्से पर कब्जा कर रहे हैं। कहा कि अब ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। आज का ये जो पाकुड़ जिला का रैली हो रहा है, हो गया रैली, अभी सभा होने वाला है, तो इस प्रकार से आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व डॉक्टर कार्तिक उराव ने इस मुद्दा को उठाया था। जो धर्मांतरित जनजाति है, उनका जनजाति आरक्षण से उसको वंचित करना चाहिए। उन्होंने लोकसभा में भी इस आवाज़ को उठाया था। इसी मुद्दा को हम लोगों ने 2006 से लगातार इस आंदोलन को कर रहे थे, और पिछले 2021 में रायपुर छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने सेमिनार किया और वहां पर निर्णय लिया गया पूरे देश भर में और जिला जिला में इस प्रकार का रैली किया जाए, शक्ति प्रदर्शन किया जाए, सुरक्षा मंच का जो आंदोलन है जन आंदोलन बनाया जाए। मैंने गाँव गली से लेकर के दिल्ली तक, सड़क से और सदन तक, और मुखिया सरपंच से लेकर के सांसद तक, ये हमारा मुख्य जो मांग है आंदोलन का। वी टाइम न्यूज़ के लिए पाकुड़ से एहसान आलम की रिपोर्ट।